एजमेंड नेपाल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्शन गुरु। मैं हूं अली, मेरे साथ है शेन भाई, और एक और सॉन्ग के साथ आपके साथ वापस आए हैं। यार सॉन्ग्स की इतनी डिमांड्स हैं कि हम लोग करते करते अब डेली लाना पड़ा हमें एक ना एक सॉन्ग। मेरो अशु द एज बैंड, एज बैंड पे जो एज बैंड नाचा जो एज बैंड की यार फैन फॉलोइंग है नाचा, वो देख के तो हम हैरान रह गए हैं, मतलब अभी तक नाचा नाचा एक नाचा ओके हेको होई ना, हमने एक ये सॉन्ग किया था इधर, ये हमने लाइव इनका किया हाँ, था और लाइव। बहुत बहुत अच्छा है, और आज भी हम लाइव कॉन्सर्ट सुनेंगे इनका। उसमें तो क्राउड की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो देख के हम हैरान रह गए थे, लेकिन इसमें देखते हैं कितनी इन्वॉल्वमेंट है। मेरा आंसू आंसू मेरा आंसू मेरा आंसू 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 नहीं इट्स आशू आशू आशू। मुझे क्यों, मेरी ऐनक किधर है यार, ऐनक मुझे लाना, तुम्हारा चश्मा किधर है, मेरा चश्मा किधर है, चलो देखते मेरा चश्मा बेचा, मेरा घड़ी बेचा। Once again, a chilling song. हमारे यहाँ फेमस था, अभी भी है स्ट्रिंग बैंड सब।
मजा आ गया चला इतने बंदे दमदार शानदार लाजवाब थैंक यू फॉर सजेस्टिंग सच सॉन्ग्स। हो एज बैंड के तो हम फैन होते ही जा रहे हैं यार। मैं इनका पक्का फैन हो गया भाई, इनका तो लाइव सुनने अभी को मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ इनका हर हफ्ते एक वीडियो हम अब करना चाहिए हम लोगों को इनका, क्योंकि इतना यार ये तो बाकी अब पता चला कि क्यों है इतने फेमस नेपाल में। हर एक कंट्री का एक फेमस होता है। इतना सुकून मिलता है यार, आप इनको सुन के ना इतना सुकून मिलता है, बॉडी इस तरह रिलैक्स हो जाती है, और जिस तरह का हमें क्राउड का एक्सप्रेशन और वो फील जो करना होता है वो तो बस ना पूछो, बयान नहीं कर सकते किस तरह फील करते हैं। हमारे यहाँ भी जो होते हैं ना थोड़े से जैसे पुराने सॉन्ग्स हैं जो 14 अगस्त पे या हम लोग उस पर चलाते हैं, जो मतलब पूरी कह लो कि पूरी नेशन को पता होते हैं ज़्यादातर, तो जब उनके भी कॉन्सर्ट्स होते हैं तो वो जब साथ में गाते हैं तो वो वाली फील आ रही थी इसमें से कि इतना साथ ऑडियंस की ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, सिंगर से ज़्यादा ऑडियंस की जो होती है ना वो। और इस तरह के अभी ये क्योंकि ये थोड़ा पुराने सॉन्ग इनके होंगे तो ये तो जब गुजरे हुए म्यूजिक को हम वैसे सुनते हैं तो वो और भी आज के म्यूजिक से और भी मज़ा आता है, और एक पुरानी सी याद जो होती है वो एक मोमेंट्स और वही लाइफ स्टाइल वो इन सॉन्ग में हमें नज़र आता है, जेन भी उसी में चल रहा होता है तो फीलिंग्स भी वही सारी आ रही होती हैं, तो ये बड़ी मेन बात होती है कि सॉन्ग को आप फील करें। यस तो इनके आपने हमें सजेशन देते रहने हैं इसी तरह के सॉन्ग्स हो जाते हैं, बाकी बैंड जो हैं वो भी अब हमने सुनने ही सुनने हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये ऑडियंस का नंबर वन फेवरेट होने वाला है। यस दिस इज नंबर वन। तो इसी तरह आप सजेस्ट करते रहें, हम लोग रिएक्ट करते रहेंगे, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा आपका फेवरेट सॉन्ग था इनका। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।